तो दोस्तों नमस्कार, जय हिंद। सैनिक मंत्रा परिवार में आप सभी का फिर एक बार स्वागत है। इस वीडियो में एचआरए को लेकर एक अच्छी खुशखबरी है, गुड न्यूज़ है। जैसे कि हम सभी को पता है कि सशस्त्र बल के कर्मियों को कई कई लोकेशनों में सरकारी तौर पर क्वार्टर की सुविधा मिलती है, लेकिन जिन सशस्त्र बल के कर्मियों को यानी कि फौजी भाइयों को सरकारी क्वार्टर उपलब्ध नहीं कराए जाते, उनको उनके बदले में एचआरएम के पैसे मिलते हैं, यानी कि हाउस रेंट अलाउंस मिलता है। लेकिन हाउस रेंट अलाउंस लेने के लिए आपको पहले एनएससी यानी कि नॉन अकोमोडेशन सर्टिफिकेट लेना होता है, और ये सर्टिफिकेट लेने के लिए पहले आपने अप्लाई करना होता है, उसके बाद में आप एचआरए का क्लाइम कर सकते हैं। ये प्रक्रिया काफ़ी लंबी थी और इसकी वजह से आपका एचआरए का पैसा आने में काफ़ी समय लग जाता था। लेकिन अब रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने इस पॉलिसी को बदल दिया है, और जैसे कि आप स्क्रीन के ऊपर देख पा रहे हैं, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने एचआरए को लेकर एक नए प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। ये प्रस्ताव क्या है? शुक्रवार को सशस्त्र बलों के कर्मियों को एनएसी यानी कि नॉन अकोमोडेशन सर्टिफिकेट प्रस्तुत किए बिना ही मकान का किराया भत्ता यानी कि एचआरए लेने की अनुमति देने का प्रस्ताव इन्होंने पास कर दिया है। जिन कर्मियों को सरकारी आवास आवंटित नहीं किया गया है, वे अब बिना एनएसी को दिखाए हुए अपना एचआरए ले सकते हैं। मौजूदा नीति के तहत सरकार का एक ये महत्वपूर्ण कदम है। अब इस पॉलिसी के लागू होने से आपको कई टाइप के डॉक्यूमेंटेशन कम करने होंगे और आसानी से आप अपने एचआरए का क्लाइम कर सकते हैं। तो इस वीडियो को, इस न्यूज़ को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि जिनको भी इसको लेकर समस्या आ रही है उनको कोई भी समस्या ना आए और इस समाचार का पूरा फायदा उठा सके। और दोस्तों, जैसे कि हमने पिछले वीडियो में बताया था कि आपका हार्डशिप अलाउंस और रिस्क अलाउंस 4 गुना बढ़ा दिया गया है, लेकिन इसको लेकर अब आपको कितना एरियर मिलेगा और कितना अलाउंस किस लोकेशन में मिलेगा, उसके लिए हमने एक डिटेल वीडियो आपकी डिमांड पे बनाया है। अभी एंड स्क्रीन ने जो फर्स्ट वीडियो है उसके ऊपर क्लिक करके आप ये जान सकते हैं कि आपको कितना हार्डशिप और रिस्क अलाउंस मिलेगा। तो इस वीडियो को क्लिक कीजिए और आपको कितना अलाउंस मिलेगा वो जान लीजिए। नमस्कार, जय हिंद।